नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए देखते हैं आज के न्यूज हाइलाइट्स। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय डियर साप्ताहिक लॉटरी, केवल 6 रुपए में अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी में चाय बागान जाते समय 4 श्रमिकों की छोटी गाड़ी चालसा में पलट गई। हादसे में 40 में से करीब 30 बागान श्रमिक घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 5 की स्थिति गंभीर है। पुलिस ने गाड़ी बरामद की और घटना की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के मेयर परिषद सदस्य दुलाल दत्त की भतीजी केया दत्त का शव घर के अंदर से बरामद होने से सनसनी फैल गई। केया वकील थी और सिलीगुड़ी कोर्ट में कार्यरत थी। वह अपनी मां के साथ सहिंती मोड़ इलाके में रहती थी। रात में जब उनकी मां ने उन्हें आवाज़ दिया तो कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पड़ोसियों की मदद से कमरा तोड़ा गया तो उसका शव बरामद हुआ। कुचबिहार लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा है। निशीत प्रामाणिक के गढ़ भेटागुड़ी की दोनों ग्राम पंचायतों पर तृणमूल ने कब्जा कर लिया है। भाजपा के 9 पंचायत सदस्य उप प्रमुख समेत तृणमूल के शामिल हो गए। अब भेटागुड़ी दोनों ग्राम पंचायत की 18 में से 15 सीटों पर तृणमूल का कब्जा हो गया है। यह कुचबिहार सांसद जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया के आवास पर हुआ। जलपाईगुड़ी मूर्ति नदी पर बना पुल टूटने से मूर्ति नदी के किनारे पर्यटकों की संख्या कम हो गई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों को व्यापार में नुकसान हुआ है। यह नदी लाटागुड़ी जंगल से होकर गुजरती है। द्वार क्षेत्र की नदियों और प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। स्थानीय व्यापारी पुल की शीघ्र मरम्मत की मांग कर रहे हैं। सिलीगुड़ी पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक चोर को किया गिरफ्तार। पानी टंकी चौकी की पुलिस ने मोहम्मद सानियाज खुरेसी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी के स्कूटी, साइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए। उसे हाकिमपाड़ा इलाके में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में आगामी 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस्कॉन मंदिर में हर साल आकर्षक रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी रथ यात्रा के लिए आज से ही रथ निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इस्कॉन मंदिर में पुजारियों ने पूजा पाठ के साथ रथ निर्माण की शुरुआत की। सिलीगुड़ी में इस्कॉन की रथ यात्रा काफ़ी लोकप्रिय होती है और दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ती है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी है। भाजपा का आरोप है कि कुचबिहार में तूफानगंज अंदरान फूलबाड़ी ग्राम पंचायत 1 नंबर क्षेत्र में बूथ संख्या 9/188 पर भाजपा का परिणाम अच्छा रहा, इसीलिए तृणमूल ने वहां से सरकारी पेयजल ट्यूबवेल हटा दिया। दावा है कि जब उनके कार्यकर्ता सुभाष दास ने इसका विरोध किया तो उनकी पिटाई की गई। हालांकि तृणमूल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। फांसीदेवा के हेडमुटी सिंगीजार इलाके में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। 10 वर्षीय किशोर तालाब में मछली पकड़ने समय डूब गया। सुबह वह अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। जब वह तालाब में मछली पकड़ने गया तो गहरे पानी में डूब गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब में किसी जहरीले सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। बागडोगरा थाने की पुलिस घटना की जाँच कर रही है। मालदा जिला पुलिस आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मालदा शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर नाका चेकिंग पॉइंट स्थापित करने जा रही है। इन चेकिंग पॉइंटों पर ASI स्तर के पुलिस अधिकारी के साथ नागरिक स्वयं सेवक और पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। बाद में यहां CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। यह व्यवस्था वाहनों और लोगों की तलाशी लेने में सुविधा प्रदान करेगी। जलपाईगुड़ी में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी भाभी पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी सुकुमार रॉय फरार है। उसने बुलबुली नामक एक महिला पर चाकू से वार कर दिया। घायल महिला को धूपगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। वेगा सर्कल के पास आधुनिक सुविधाओं से भरपूर टेस्ट ऑफ आर्ट डिजाइन्स और बजट में शानदार फ्लैट्स द्वारिका प्राइम। ट्रैफिक जैम से मुक्त, हर समय उपलब्ध पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिलीगुड़ी के प्रमुख मॉल्स पैदल दूरी पर ही। यहां आपके लिए सुविधाएं हैं बेबी पूल, लैंडस्केप गार्डन, रूफटॉप गजीबोस, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, टेम्पल, कम्युनिटी हॉल एंड टेरिस गार्डन। जल्द ही मिल जाएगा हैंडओवर। आज ही कॉल करें द्वारिका प्राइम 7557044444। द्वारिका प्राइम, वेयर एवरी डिटेल इज क्राफ्टेड टू परफेक्शन। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित
हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in.